नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वस्तुनिष्ठ किताब है, ऑब्जेक्टिव किताब है, आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब पर हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक टॉपिक का। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आपका समसामयिक होगा, करेंट अफेयर्स होगा, जो आपका एक दो साल का, जो आपका इधर आपका एक दो साल का जो भी पहले का करेंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे, उन्हें 20-21 का या 22 का, ठीक है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं आपका रिविजन पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर होगा, जो भी राइट ऑप्शन होगा उसी को पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को, पूरे जो भी आपका चार ऑप्शन होगा चार ऑप्शन पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसी को पढ़ेंगे और व्याख्या को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो व्याख्या आपका चारों ऑप्शन के साथ पढ़ा दिया, एक लिस्ट बना दिया, ठीक है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको आराम से देखना है तो, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप यहाँ पर आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 समसामयिक की, और इसका हम लोग दो पार्ट बनाएंगे, जिसमें आपका लगभग 200 क्वेश्चन है, तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, एक पार्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, समसामयिक की, देश का म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ हुआ, तो ऑप्शन मेरे बिहार में, कुछ आपका टू आईपीएल की तर्ज पर, तो आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग बीसीसीआई का आयोजन पटना में हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया, ऑप्शन बी कपिल देव ने किया, कुछ आपका प्रिय देश का हुआ प्रथम राज्य जिसने अलग इथेनॉल नीति बनाया, ऑप्शन नंबर डी बिहार ने, कुछ आपका चार है स्विट्जरलैंड स्थित IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान कितना, ऑप्शन नंबर ए 35वां है, क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया, ऑप्शन बी 26 मार्च 2021 को, शिक्षा बिहार के किस उत्पादन को, तो बिहार के किस उत्पादन को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ और उसका निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सहित अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा, ऑप्शन बी मकई पान को, नाम 7 आपका है बिहार में स्थित किस परियोजना ने 19 मार्च 2021 को उच्चतम रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया, ऑप्शन बी NTPC बार, क्वेश्चन 8 है राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ट्राइफोन चैलेंज 2020 में बिहार मुजफ्फरपुर के किस देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी सी इच्छा प्राप्त हुआ, क्वेश्चन 9 है आत्मनिर्भर बिहार के 7-2 2020-25 के संगठक है, ऑप्शन डी उपयोग से अभी हर खेत तक सिंचाई का पानी सुलभ संपर्कता और सशक्त महिला सक्षम महिला, क्वेश्चन 10 आत्मनिर्भर बिहार के 7-2 2020-25 में कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका जो है ऑप्शन बी बाल विकास मानव विकास आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी आपका सम्मिलित सही है। तो स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव युवा शक्ति बिहार की प्रगति, स्वच्छ शहर विकसित शहर और स्वच्छ गाँव समृद्ध गांव, कोई आपका नेक्स्ट आपका कुछ 11 नंबर है कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में किस राज्य को सम्मानित किया गया, ऑप्शन में बिहार को बी बिहार को, क्रमांक 12 है उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए बिहार के किस लड़की को इंस्पायर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन में जाह्नवी को, कुछ आपका 13 अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में बिहार का कौन सा छात्र प्रथम स्थान पर प्राप्त किया, ऑप्शन सी कनन ने, कुछ आपका नेक्स्ट 4 नंबर है पटना के PMCH में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल 5462 बेड का शिलान्यास कब किया, ऑप्शन मेरे 8 फरवरी 2021 को, क्वेश्चन नंबर 5 है बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे, ऑप्शन मेरे 7 फरवरी 2021 को, क्वेश्चन नंबर 6 है 16 नंबर है पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक AMD किसे बनाया गया, ऑप्शन मेरे ऑप्शन बी अनंत किशोर को, क्वेश्चन नंबर 17 है किस दिन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा रेल खंड पर हाई स्पीड ट्रेन कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ का ट्रायल रन किया गया, ऑप्शन मेरे 9 फरवरी 2020 को, कुछ आपका 18-22 मार्च 2020 को बिहार सरकार ने COVID-19 स्वच्छता हेतु लॉकडाउन किस महामारी अधिनियम के तहत किया, ऑप्शन बी महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत, कुछ नंबर 19 बिहार सहकारिता विभाग का टैगलाइन था, ऑप्शन सी एक सब के लिए सब एक के लिए, कुछ नंबर 20 है नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान वाइस चांसलर, ऑप्शन बी सुनैना सिंह, 21 है नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर, ऑप्शन बी विजय पी भटकर, कुछ आपका 22 है बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता ऑप्शन सी ललित किशोर, कुछ आपका 23 है बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन डी दिलमणि मिश्रा, क्वेश्चन 25 है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार सिन्हा, क्वेश्चन 25 है बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता ऑप्शन सी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, 26 है सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिपक्ष में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है, ऑप्शन डी बिहार, 20 है बिहार के वर्तमान राज्यपाल ऑप्शन सी श्री फागु चौहान, 28 है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, 29 है आपका बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार,
कौन सी पद पर है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भारत के रेल मंत्री पर रह चुके हैं, भारतीय पथ एवं परिवहन मंत्री रह चुके हैं और भारतीय कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन 30 है बिहार के उप मुख्यमंत्री आपसे कौन है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, तो तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी। 31 है बिहार के 70वीं या वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी श्री विजय कुमार सिन्हा। 32 है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस संजय करोल। 33 है बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है, ऑप्शन नंबर सी श्री त्रिपुरारी चरण। 34 है श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया, ऑप्शन नंबर डी 16 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है बिहार लोकसभा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी रजनीश कुमार महाजन। 36 है बिहार में कहां 25,000 क्षमता वाला परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन नंबर डी पटना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है बिहार में कहां पर कला ग्राम का स्थापना किया जाएगा, ऑप्शन सी बोधगया में। क्वेश्चन 38 है पटना रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन कैसे बनाया जाए, ऑप्शन बी कामरान रिजवी को। क्वेश्चन 39 है जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2021 में बिहार का अंक रहा, ऑप्शन बी 52। 40 है बिहार का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर फरवरी 2020 में कहां खुला, बक्सर में। क्वेश्चन 41 है बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर प्रमिला कुमार प्रजापति। 42 है बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा, ऑप्शन बी जमुई में। क्वेश्चन 43 है राज्य के बाहर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों एवं जरूरतमंदों व्यक्तियों प्रवासी बिहारियों को के लिए सहायता राशि पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्वेश्चन 44 है 7 मार्च 2020 को बिहार के किस ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया, ऑप्शन सी विक्रमशिला एक्सप्रेस। 45 है बिहार में कहां पर देश का प्रथम राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। फिर आपका नेक्स्ट है 46 है बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए अमरजीत सिन्हा को। 47 है भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट बनने वाली बिहार की महिला, ऑप्शन नंबर शिवांगी। 48 है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान के नाम पर बिहार के किस जिला में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना है, ऑप्शन नंबर बक्सर। 49 है बिहार का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल किस जिला में बनाया जाना है, ऑप्शन पटना में। 50 है दशरथ मांझी खादी शिल्प बिहार में कहां बन रहा, ऑप्शन सी गया में। 51 है नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2021 में शांति न्याय और मजबूत संस्थान के लक्ष्य में बिहार का अंक है, ऑप्शन नंबर 73। 52 है बिहार में कहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी है, ऑप्शन नंबर डी IGIMS पटना। 53 है बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को कौन सा सर्वश्रेष्ठ डेयरी अवार्ड मिला, ऑप्शन नंबर इंडियन डेयरी अवार्ड। 54 है 21 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने किस निगरानी चौकी का उद्घाटन किया, ऑप्शन जोगवानी अररिया विराटनगर। 55 है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, तो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के किस शब्द को 200 वर्ष से पुराने इंग्लैंड की कॉलेज डिक्शनरी में शामिल किया गया, ऑप्शन बी पार्क को। 56 में हाल में पटना मेट्रो कोच की चौड़ाई बढ़ाकर की गई, ऑप्शन डी 3200 मिलीमीटर। फिर आपका नेक्स्ट 57 COVID-19 के दौरान बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, ऑप्शन डी कोरोना सहायता ऐप। 58 है बिहार में प्रवासी पक्षों पर अवलोकन निगरानी और अनुसंधान के लिए देश का चौथा उत्तर बिहार का पहला वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन कहां बनाया जाएगा, ऑप्शन बी भागलपुर में। 59 है बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी गजानन बिकल। 60 है केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना आर्थिक पैकेज की घोषणा में बिहार के किस उत्पाद की क्लस्टर बनाने की बात की, ऑप्शन मेरे मखाना। 61 है सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को जनवरी 2021 में चेन्नई में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी महावीर सम्मान। 62 है साइकिल गर्ल ज्योति को जनवरी 2021 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी नशा मुक्ति अभियान का। 63 है 2021 से गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी में शामिल होकर बिहार की बेटी ने इतिहास रचा, इसका नाम है ऑप्शन डी भावना कंठ। 54 है 64 बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर ए अनामिका। 65 है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना बन रही है, ऑप्शन नंबर उड़ीसा। 66 है बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली भाषा में प्रकाशित कहानी संग्रह गाछ रसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर सी कमलकांत झा को। 67 है मैथिली में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, ऑप्शन बी डॉक्टर सोनू कुमार झा को। 68 है बिहार के किन्हें उर्दू उपन्यास अमावस की ख्वाब के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया, ऑप्शन डी हुसैन उल्हा को। 69 है बिहार राज्य के कितने पंचायतों को बेहतर काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया, ऑप्शन डी 12 को। आपका 70 है बिहार के किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी बघाड़ी को। 71 है 70वीं बिहार विधानसभा को अध्यक्ष नियुक्त हुए, ऑप्शन बी महेश्वर हजारी को। 72 है बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में स्थान मिला, ऑप्शन नंबर सी स्मृति गुप्ता को।
73 अब यहाँ के किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रो रेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया। ऑप्शन बड़ी डॉक्टर राजवंदर आजादपुर। 74 बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क बनेगा। ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। 75 ईज ऑफ डूइंग के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कितने का पैकेज दिया गया। ऑप्शन बी 6,528 करोड़। 76 बिहार नई श्रम कानून के अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में काम करना होगा। ऑप्शन बी 48 घंटा। 77 किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक विहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ऑप्शन आईटी रोड की। 78 बिहार के छपरा में रहने वाले किस व्यक्ति को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया। ऑप्शन बी हरेंद्र सिंह को। 79 बिहार राज्य के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ऑप्शन बी राजीव कुमार। 80 है बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष की। ऑप्शन बी अब्दुल बारी सिद्दीकी। 81 है बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी पटना में। 82 है बिहार के किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश की तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर सहरसा वुमेन जैविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को। 83 बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योगों को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। 84 नंबर क्वेश्चन आपका है बिहार केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार किस अनाज की खरीद की व्यवस्था की है। ऑप्शन नंबर सी मसूर और चना का। 85 है नेपाल के अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी पनबिजली प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारत के सतलज जल विद्युत निगम को दिया गया है। इससे तैयार पनबिजली बिहार के किस जिले में से होकर भारत में प्रवेश करेगी। ऑप्शन बी सीतामढ़ी से। 86 है बिहार के किस जिला में तो बिहार के किस जिला में गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा। ऑप्शन बी पूर्णिया में। 87 अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन बड़ी 29वां स्थान मिला है। 88 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटना हो रही है। ऑप्शन बी पटना में। 89 है बिहार के किस जिला में 4300 करोड़ रुपए की लागत से सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी कटिहार में। 90 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस पुलिस स्टेशन को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया जाएगा। ऑप्शन में कुर्था पुलिस स्टेशन। 91 है बिहार के किस जिला है तो बिहार के जिला में उच्च स्तरीय उस तरह की मैग्नीशियम चट्टान का खोज किया गया। ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है बिहार के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड से सम्मान किया जाएगा। ऑप्शन बी डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी को। 93 है बिहार के किस जिले में जल संसाधन के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी सुपौल। 94 है बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए न्यूटन अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अविनीश कुमार को। 95 है बिहार के किस जिले में तो बिहार के किस जिले से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम उजाला योजना किस बात की जाएगी। ऑप्शन सी भोजपुर से। 96 है बिहार में कहां निजी प्रवेश प्रस्ताव में किस जिले में इथेनॉल इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन गोपालगंज। 97 है बिहार के निवासी किस व्यक्ति को अमेरिकी कंपनी लूना सोसाइटी ने चंद्रमा पर एक एकड़ जमीन उपहार में दिया। ऑप्शन बी इफ्तिखार सहमानी को। 98 है बिहार के पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता। ऑप्शन बी दरभंगा डायमंड से। नेक्स्ट आपका 99 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी आनंद किशोर को। 100 जल की निकायों का ग्रेजेटियर के रूप में अटलस जारी करने वाला बिहार बनेगा विश्व में। ऑप्शन बी दूसरा। 101 नंबर है महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में स्थान है। ऑप्शन बी प्रथम। 102 है बिहार के किस नदी पर ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला के तट पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी बुलपुर। 103 है किस व्यक्ति को आईएमए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान किया गया। ऑप्शन बी रजनीश राजभवन। 104 है बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डॉक्टर सविता मिश्रा को। 105 है पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को ब्रह्मोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी पद्म विभूषण से। ठीक है तो नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आपका कल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।